नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों आजकल यह समस्या बहुत ही आम समस्या हो गई है और इन समस्याओं के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है मांसपेशियों में तनाव और जोड़ों में खिंचाव का होना। इसके अतिरिक्त अधिक वजन बढ़ना, शरीर में कैल्शियम की कमी, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर और अपनी क्षमता से ज्यादा का वजन उठाना, झटके से किसी चीज को उठाना, ज्यादा फिजिकल वर्क करना, धूम्रपान करना, स्पाइन का किसी वजह से इन्फेक्टेड होना, कम नींद लेना जैसे अनेकों कारण हो सकते हैं। दोस्तों हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग किसी न किसी बहाने तो होती है, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग नहीं हो पाती, जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है और यह समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप योग को अपना कर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपनी पीठ और कमर को मजबूत स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन समस्याओं को दूर करने वाले योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों कमर दर्द, पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको चार लाभकारी योगाभ्यास बताएंगे और इन अभ्यासों को सभी उम्र के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला योगाभ्यास हम करेंगे मकरासन योग। इसे करने के लिए आपने पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे उठाकर ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी ठोंडी के ऊपर ऐसे रख लीजिए और इस स्थिति में आपके दोनों पैर ऐसे चिपके हुए हों। अगर आपको ऐसे अपने पैरों को मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो आप अपने पैरों में थोड़ा सा स्पेस भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर दूसरे पैर को भी ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाइए। अपने पैर की एड़ी को अपने हिप्स पे लगाने का प्रयत्न कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही अभ्यास को आप दोनों पैरों से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह मकरासन योग एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकता है। श्वास भरते हुए ऐसे अपने एड़ी को अपने हिप पे लगाने की कोशिश कीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाना है और ऐसे श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों की एड़ियों को अपने हिप्स पे लगाने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन की जो भी समस्या होती है वह दूर होती है। और फिर धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे नीचे करते हुए ऐसे रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। इसे करने के लिए आपने अपने ऐसे अपने हाथ एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे कीजिए। ऐसे ही इस भुजंगासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोज सुनना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रख लेना है और श्वास भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर को ले जाइए, ऊपर की तरफ देखिए। भुजंगासन की पोज सुनना आते हैं, अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे रख लेना है और अपने पैरों को ऐसे 1.5 से 2 फीट का स्पेस ऐसे रख लेते हैं, अपने पैरों को ऐसे फैला लेते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और अपने शरीर को ऐसे बाएं ओर मोड़िए और अपने राइट पैर के पैर को देखने का प्रयत्न कीजिए। अपने शरीर को ऐसे स्ट्रेच करना है।
वहां छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को आए और अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड से मोड़िए और अपने बाएं पैर के पंजे को देखने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर होल्ड करके रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों तरफ से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे शलभासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऐसे ऊपर को उठाना है। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर लेफ्ट पैर को ऐसे उठाइए, कुछ देर होल्ड करके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही सभी आपको दोनों पैरों से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यह अभ्यास हमारी लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन की जो भी समस्या है उन्हें दूर करने के लिए बहुत ही सरल और सहज है और इसे कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकता है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाना है, अपने दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी सभी समस्याओं को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन योगाभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।